हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सोना कॉमस्टार के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि जो यहाँ पे हैवी वैल्यूएशन के कंसर्न लोगों को हो रहे हैं वो कितने जस्टिफाइड हैं और कितने नहीं जस्टिफाइड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, सोना कॉमस्टार ये जो कंपनी है, तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, यानी कि जो कार्स होता है, रिक्शा वगैरह होते हैं, यानी कि टू व्हीलर्स होते हैं, तो उनके जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो उनके ऑटोमोटिव पार्ट्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। यानी कि जैसे सपोज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो वहाँ पे उनके तरह तरह के पार्ट्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, अगर हम देखें तो जो कंपनी है, ये ऑलमोस्ट सारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके यहाँ पे ऑटो पार्ट बनाती है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स आ गए, पैसेंजर व्हीकल्स आ गया, या उसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो आ गए, टू व्हीलर व्हीकल्स, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक रिक्शाज होते हैं वहाँ तक के भी कंपनी ऑटो पार्ट बनाती है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कंपनी जितने भी जो ऑटोमोबाइल्स हैं वहाँ पे ये कंपनी उसके ऑटो पार्ट बनाती है। लेकिन देखिए, जो कंपनी का जो मेन फोकस है, यानी कि मेन फोकस जो कंपनी का है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है। यानी कि उनके जो आने वाले टाइम पे जो इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह का जो यूज ज़्यादा होने वाला है, तो उसके ऑटो पार्ट में ही कंपनी का मेन फोकस है। यानी कि जो ट्रेडिशनल जो ऑटो पार्ट वगैरह थे वहाँ से कंपनी का मेन फोकस अभी हमें हटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऑटो पार्ट की बनाते, वो जो उसके अलावा जो ट्रेडिशनल पार्ट वगैरह वो भी ये कंपनी बनाती है। तो बिजनेस मॉडल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम पे, अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन चालू हुआ है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये जो पूरी इंडस्ट्री है, यानी कि जो पूरी ऑटो पार्ट वाली इंडस्ट्री है और जो पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम पे 20% प्लस CAGR से आने वाले 5 साल में ये ग्रो कर सकती है, और वहाँ पे इस कंपनी के पास भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आती है। अब हम यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो देखिए, 35,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखा जाए तो ये कंपनी लार्ज कैप है, लेकिन अगर हम इसके पी रेशियो की बात करेंगे तो ये 180 का पी है। तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक अभी बहुत महंगा मिल रहा है, यानी कि 180 का पी एक बहुत काफ़ी हैवी वैल्यूएशन को यहाँ पे इंडिकेट करता है। लेकिन देखिए, ये जो पी यहाँ पे कैलकुलेटेड है, ये पिछले 4 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस का है, जिसमें हमने कोविड की सेकंड वेव भी देखी है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी वहाँ पे जो कोविड की वजह से इश्यूज हुए, जो डिमांड हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोविड की वजह से कम होती हुई नजर आई थी, तो उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी। लेकिन अगर हम देखें जो पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस है, अगर उसके बेसिस पर अगर हम कंपनी के पीई को कैलकुलेट करें तो 100 के पीई पे ही यहाँ पे जो कंपनी का स्टॉक है अभी ट्रेड हो रहा है, क्योंकि उसके बेसिस पे जो कंपनी का EPS आता है लगभग 6.5 रुपये के लगभग आता है, और वहाँ पे अभी स्टॉक लगभग 620 के लगभग ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पे 100 का पीई स्टॉक का हमें नज़र आता है। तो देखिए, ये जो 100 का पी हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आने वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये सिर्फ इंडस्ट्री ग्रो होना चालू हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का 7 से 8% का ही मार्केट शेयर है, जो आने वाले टाइम पे 40 से 50% हो सकता है। देखिए, यहाँ पे मल्टी फोल्ड ग्रोथ अभी अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से ये जो पी है, थोड़ा मैं कहूँगा प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पर है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके का ग्रोथ यहाँ पे अवेलेबल है, ये पी जस्टिफाइड है। अगर हम ROC की बात करें तो ये नंबर है 17% पे। तो देखिए, पिछला फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है कोविड की वजह से, तब ये ROC का नंबर 17% है। बाकी जो प्री कोविड के नंबर्स की अगर हम बात करें तो तब ये नंबर 25% पे था। तो ROC का नंबर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो ये नंबर भी 17% पे, रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो अभी कंपनी के पास 235 करोड़ की वर्किंग कैपिटल है, तो मेरे ख्याल से वर्किंग कैपिटल भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छी है। अब अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, यानी कि पिछले 3 साल में कंपनी का कितना प्रॉफिट बढ़ा है, तो ये नंबर आता है 32.4% पे। तो देखिए, ये नंबर मेरे ख्याल से 45% के लगभग होता, कोविड की वजह से ये नंबर 32.4% पे ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोविड की वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ कंपनी की रुकी है, वो मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम पे यहाँ पे ग्रोथ और भी ज़्यादा हो सकती है।
अब अगर हम यहाँ पे जो FII की होल्डिंग अगर हम उनकी बात करें तो FII ने यहाँ पे जो पिछला क्वार्टर था जुलाई से सितंबर वाला, वहाँ पे 3.51% का अपना स्टेक कम किया है। अब वो क्यों कम किया है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.27% का होल्डिंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया भी है। देखिए अगर कोई भी स्टॉक अगर देखा जा रही है, जब IPO लिस्ट हुआ था तो एकदम नॉर्मल लिस्टिंग हुई थी, लेकिन वहाँ से अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, सॉरी ऑलमोस्ट क्या डबल से भी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे होगी ही होगी, लेकिन इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 67.3% का जो यहाँ पे होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है। अगर इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 27.1 है, और इसका जो पी है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 180 का आपको नजर आ रहा है, लेकिन 100 का ही ये पी है। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है एग्रेसिवली, ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये जो वैल्यूएशन है ये थोड़ा जस्टिफाइड है। अगर उसके अलावा अगर हम बात करें 5 साल की अगर प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये नंबर आता है 130% पे, यानी कि 5 साल में जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो देखिए अगर आप 5 साल की ग्रोथ देखोगे तो इसके हिसाब से लगभग 25% कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है हर साल यहाँ पे बढ़ रही है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से सही हैं। अगर यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो यहाँ पे 29.3 times है, मतलब ऑलमोस्ट 30 times यहाँ पे बुक वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। देखिए जो बुक वैल्यू है वो नेट एसेट पे कैलकुलेट होती है, और जो कंपनी का जो डेट है अगर हम देखें तो डेट अभी अराउंड 300 से 350 करोड़ का कंपनी का टोटल डेट है। ये देखिए 387 करोड़ का कंपनी का भी टोटल डेट है, लेकिन देखिए अगर लगातार प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ग्रो होगी वहाँ पे डेट का नंबर कम होगा, नेट एसेट कंपनी के बढ़ेंगे, तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी हमें 20 से 25% हर ईयर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अब ये जो है ये जो पूरा मैप यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी को कहाँ से मेन रेवेन्यू मिलता है। देखिए 36% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आता है नॉर्थ अमेरिका से, यानी कि जो अगर 100 रुपये का कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है तो वहाँ से 36 रुपीज़ का रेवेन्यू कंपनी को नॉर्थ अमेरिका से मिलता है। तो ये नंबर अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रांग है, और अगर 26% रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये नंबर उनको यूरोप से मिलता है, मतलब इतना रेवेन्यू कंपनी को यूरोप से मिलता है। तो यानी कि अगर आप देखोगे 62% का रेवेन्यू तो यहाँ पे कंपनी को आउट ऑफ इंडिया से ही मिलता है, और अगर हम इंडिया को भी अगर उसमें हटा दें तो एशिया के अंदर, मतलब एशिया के अंदर इंडिया भी आता है लेकिन इंडिया को अगर हम हटा दें तो वहाँ से 7% का रेवेन्यू कंपनी को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 75% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बाहर से आता है, और सिर्फ 25% का रेवेन्यू यहाँ पे उनको इंडिया से मिलता है। लेकिन ये जो नंबर है ये जो 25% का, ये आने वाले टाइम पे 50% हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे लोग अपना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कॉस्ट कम है, और जिस तरीके से पेट्रोल के प्राइसेज बढ़ रहे हैं वहां पे ये जो मुझे लगता है कि ये जो नंबर है ये आने वाले टाइम पे इंडिया के लिए इनका डबल हो सकता है। अब ये देखिए अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज के नंबर देखिए क्या यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ग्रोथ यहाँ पे ये कंपनी दिखा रही है, और अभी ये जो ग्रोथ के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये एक्सपोर्ट के देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से यूरोप से कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है ये उसके नंबर है, इंडिया की ग्रोथ अभी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ये पूरे रेवेन्यू में से 25% का रेवेन्यू ही कंपनी को इंडिया से मिल रहा है। अभी आने वाले टाइम पे यहाँ पे इंडिया और जो एशिया के जो कंट्रीज हैं वहाँ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी के लिए बढ़ने वाला है। देखिए पिछले साल कंपनी का जो कोविड की वजह से जो एक्सपेंसेस वगैरह कंपनी के थोड़े ज़्यादा हो गए थे, और उसके अलावा थोड़ा डेट वगैरह कंपनी ने लिया था, तो उसकी वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ये जो प्री कोविड वाली प्रॉफिटेबिलिटी है लगभग 350 करोड़ की ये कंपनी की फिर से आ सकती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 67.8% का यहाँ पे जो होल्डिंग है, सॉरी 0.3% का जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है, ये हमने पहली बात कर ली है। अगर FIH की बात करें तो उनके पास यहाँ पे 10.38% का होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड का यहाँ पे 16.45% का होल्डिंग है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये 5.85% का होल्डिंग है। ठीक है, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम होता है तो सीधी सी इंडिकेशन है कि
यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है, और जहाँ पे इनकी होल्डिंग ज़्यादा होती है DIH की FIH की, तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है। लेकिन जो अभी हमें करेक्शन देखने को मिला है हाई से लगभग 20% का, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से या फिर DIH की तरफ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, उनका टेक उनका होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ होगा और थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग बढ़ा होगा। लेकिन ये हमें काफ़ी अट्रैक्टिव हमें ये होल्डिंग पैटर्न नज़र आता है। अब ये देखिए, अगर हम ये जो कंपनी का जो पूरा डिटेल्ड ये जो पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर का जो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये वो है, तो यहाँ पर अगर हम सेल्स के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार कंपनी की सेल्स के नंबर देखिए 612 करोड़ से सीधा ये नंबर हुआ है 699 करोड़, तो ये नॉर्मल ग्रोथ है, लगभग 15% का रेवेन्यू ग्रोथ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये देखिए 1038 यानी कि अराउंड 350 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, इन परसेंटेज वाइज अराउंड 45% का ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के सेल्स में हुआ है। और यहाँ पे देखिए 1566 यानी कि अराउंड 50% का ग्रोथ हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है, जबकि पिछले साल हमने कोविड भी देखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी के सेल्स के नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हमें नज़र आते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, 77 से 173 करोड़, फिर उसके बाद 360 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट रहा है। लेकिन पिछले साल ये जो नेट प्रॉफिट का नंबर है ये हमें कम होता हुआ नज़र आया है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, और जो इसके पीछे का रीज़न है वो ये है कि जो टैक्स परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये नंबर 28% हुआ है। अगर आप देखोगे टैक्स परसेंटेज की वजह से हमें यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती हुई नज़र आई है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे डेप्रिसिएशन के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे कंपनी के थोड़े ज़्यादा हुए हैं, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी हमें 7 करोड़ से बढ़ता हुआ नज़र आया है। लेकिन देखिए आपको लगेगा कि जो इंटरेस्ट पेमेंट का जो यहाँ पे अमाउंट है हर साल यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन देखिए जिस तरीके से इंडस्ट्री में ग्रोथ अवेलेबल है वहाँ पर आप पूरा इक्विटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन देखिए अभी कंपनी ने IPO कंपनी लेकर आई है, तो वहाँ पर जो कंपनी ने बोला है कि जो डेट वगैरह कंपनी का है वो उसे रीपे करेंगे, तो आने वाले टाइम पे ये इंटरेस्ट पेमेंट वाला नंबर भी कम होगा। लेकिन देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ वगैरह मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो टैक्स परसेंट वाला जो बर्डन है कंपनी के ऊपर ये भी मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरा एकदम से कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कंपनी को टैक्स परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीफ मिल सकता है। अब अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की तो हमने बात करी लिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की भी हमने बात कर लिए, लेकिन अगर हम EBITDA मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए 28.2% का यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि जो कंपनी का रेवेन्यू होता है उसके बाद में जो कंपनी के एक्सपेंस होते हैं नॉर्मल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उसके बाद इतना 28.2 रुपीज़ कंपनी के पास बचता है, मतलब हर 100 रुपये के रेवेन्यू के ऊपर 28.2 रुपीज़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट है। यानी इसके बाद जो टैक्स वगैरह होते हैं इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह होते हैं वो इसके बाद होते हैं, और उसके बाद में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंट होता है वो निकल कर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नंबर है ये आने वाले टाइम पे थोड़ा और बढ़ेगा, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूंगा लेकिन जो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें थोड़ा रिलीफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी कंपनी ने IPO से पैसा रेज किया तो वहाँ पे वो उन्होंने अपना डेट थोड़ा कम किया, तो आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट वहाँ पे कम हो जाएगा। अब देखिए 616 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, 813 का इसने हाई बनाया, मतलब अगर हम हाई से कंपेयर करें तो अराउंड 24% का करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, और ये जो करेक्शन है ये काफ़ी फास्ट हुआ है। देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे IPO से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, IPO से ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मेरे ख्याल से बने रहिए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट डैट, मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है। अगर सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 24% का हाई से करेक्शन हो चुका है, अगर थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो देयर इज नो डाउट अबाउट डेट, लेकिन अगर यहाँ से 5 या 6% या फिर 10 से 15% का करेक्शन अगर और होता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी।
अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की, तो देखिए शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा इश्यूज हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर में यहाँ पे थोड़ा बियरिश अभी स्टॉक हमें नजर आता है, तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। बाकी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को कोई इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। और मेन रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें, जो ऑटो पार्ट्स है उनकी डिमांड आने वाले टाइम पे बहुत बढ़ने वाली है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरे ग्लोबल मार्केट शेयर की अगर हम बात करें ऑटो पार्ट के अंदर, तो इस कंपनी का 8% का मार्केट शेयर है। तो देखिए 8% का मार्केट शेयर इज नॉट अ स्मॉल मार्केट शेयर, क्योंकि पूरे ग्लोबल में यहाँ पे हजारों कंपनीज हैं, और वहाँ पर अगर 100 रुपये में, मतलब अगर 100 ऑटो पार्ट में से अगर 8 ऑटो पार्ट अगर इस कंपनी के बिकते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रांग मतलब इनका प्रेजेंस ग्लोबली हमें नजर आता है। दोस्तों मैं होप करना हूँ कि सोना कोमस्टार के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।